अभी मैं सो के उठा, साल का पहला दिन, और मैं सो के उठा 2 बजे के बाद। पर एक्चुअली वो नहीं है, मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया, तो आप वो देख के आओ। तब तक आई जस्ट गेट अ लिटिल रेडी, क्योंकि आज भी ऑफिस जाना है, मेरे दो दोस्त आने वाला है, पर ऑफिस जाना, ऑफिस में काम है, उससे पहले कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी लेना है, तो आई सी यू। चलो, तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक वीडियो भेजना है। और मैं सोचा था कि मैं वो मोबाइल से भेज दूंगा, मैं मोबाइल में लेके भी आया था, पर समहाउ वो हो नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे ऑफिस का कंप्यूटर यूज़ करना है। तो सुबह सुबह बहुत ठंड है यार। व्हाट अ स्टार्ट टू द ईयर, कम ऑन। तो फिलहाल काम हो गया है ख़त्म और हम चल दिए हैं घर की तरफ, जाके सो जाएंगे। ये बन रहा है न्यू ईयर का केक, होममेड। ये देख सकते हो, चॉकलेट का टॉपिंग डाला जा रहा है उस पर। वहां पे एक और केक है, वो फ्रूट केक है, ये क्रीम केक है, और लामू भी आया हुआ है इंस्पेक्शन पे। ये देखो, लामू इसलिए क्या हो रहा है यहाँ। कर रहा है कि कब मिलेगा केक, कब मिलेगा इसको केक। लामू देख रहा है, केक इधर है, लामू इधर है, लामू इज लाइक कब मिलेगा मुझे केक। केक का टेस्टिंग लामू नहीं करेगा, लामू को अच्छा नहीं लगा केक। और ये लाइट है न्यू ईयर्स के, और यहाँ पे लाइट लग चुके हैं। ये है सोनू, और हम लोग जा रहे हैं वापस ऑफिस, कुछ काम है, मेरा एक दोस्त भी आने वाला है, तो ओके चलो। व्हाट इज योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? इस साल भी हम नहीं, इस साल भी हम कर ले थोड़ा क्या कर लोगे इस साल? क्या क्या कर लोगे इस साल तुम? क्या इस साल तुम वो करने के बारे में बात कर रहे हो? वाह नाउ ही इज लुकिंग लाइक पार्टी गाय। तुम्हारा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है। किसी के पास कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है। देखो देखो देखो, तो साल की वो वाले दिन में आपका स्वागत है, जब हम अपने आप से बहुत सारे झूठ बोलेंगे, बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाएंगे जो कि फरवरी तक नहीं चलेंगे, फिर बैक टू द सेम। तो इस साल मैंने सोचा है कि रेजोल्यूशंस नहीं, बस इसकी कोशिश करेंगे कि पिछले साल से थोड़ा बेहतर हो जाए। मतलब 2019, 20, 21, कोविड, लॉकडाउन, डेल्टा, ओमाइक्रॉन, बस करो यार। अब तो लाइक पहले नॉर्मल जिंदगी कैसा था ये तो हम अब भूलने को आए हैं। पहले न्यू ईयर कैसा होता था, पहले सब कुछ कैसा था, तो बस हम उतना तक वापस चले जाए वही बेहतर है।
रिजू से मिलाएंगे। रिजू मेरे बचपन का दोस्त है, हम स्कूल में एक साथ थे पर स्कूल में ज़्यादा दोस्ती था नहीं, हम कॉलेज से बहुत अच्छा दोस्त बन गए और अभी तो दोस्त हम है नहीं, हम फैमिली है। और अभी साल में एक दो बार ही मुलाकात होता है दुर्गा पूजा में या न्यू ईयर्स में, क्योंकि वो रहती नहीं है यहाँ, दे स्टे इन बैंगलोर नाउ। पर अभी वो लोग आए हुए हैं तो आज बहुत दिनों के बाद मिलना होगा, बहुत सारी मस्तियाँ होंगी। पर पार्टी शुरू करने में थोड़ा डिले हो जाएगा क्योंकि रिजू को किसी को टैक्स समझाना है और वो भी मतलब न्यू ईयर में रात को 10 बजे, आधा घंटा लेके। तो एक बार वो खत्म हो जाए फिर हम करेंगे पार्टी, जरूर करेंगे। ওইখানে একটা ট্যাক্স অ্যামাউন্ট তুই পে করছিস সেটা ওইখানে দেখাচ্ছে, দেখ ট্যাক্স পেড, তো ওই অ্যামাউন্টটা দেখ একদম নিচে, দেখ এরকম ভাবে বক্সের वैसे फनी स्टोरीज तो बहुत है, पर एक जो मुझे बहुत फनी लगता है कि जब रिजू का शादी हुआ तो उसका जो हस्बैंड है सिर, वो भी बहुत प्यारा दोस्त है हमारा, तो रिजू को शादी के बाद 3 दिन बाद वापस जाना था बैंगलोर, उसका उसको लीव नहीं मिला था जॉब से, तो सिड यहाँ था और हम जा रहे थे दार्जिलिंग। तो मैंने उसको बोला कि तू मेरे साथ चल, तो वो हमारे साथ आ गया शादी के 3 दिनों बाद, और रिजू बैंगलोर में था और हम लोग दार्जिलिंग में घूम रहे थे, वैकेशन मना रहे थे। और मैं अभी तक लोगों को कहता हूँ कि ये शादी होने के बाद हनीमून में गया था हमारे साथ। एक एक तो पीस एकदम 35 টাকা, হ্যাঁ দাম আমি নিয়ে থেকে বেশি দাম, আমি নিয়ে 16 টাকা করে। আপাতত আমায় একটা দাও। अभी हमें छूना लग गया है क्योंकि एक रोटी आया है 35 रुपए का, इसको देखो। पर पीस बड़ा महंगा ही चाय ने खाई। क्या नोजे हमें आज फिर पीला। अरे खाना। পেঁয়াজ আমি অর্ডার করেছি। সচ মে? এই তো দেখো না কত পেঁয়াজ দিয়েছে। That is like the प्याज, ये ऑनियन आया है, इसे अलग से ऑर्डर किया गया है तो इसलिए इतना फैंसी पैकेजिंग होके आया है ये ऑनियन। तो जानी वक्त हो गया है विदा लेने का और व्लॉग को खत्म करने का। साल का पहला दिन बहुत अच्छा था, करीबी दोस्तों के साथ बहुत हंसी मजाक में निकला। काश हर दिन साल का ऐसा होता, पर आई प्रे, मैं दुआ ये करता हूँ कि आप भी ये साल अपने आप को बहुत सारी हंसी खुशी मजाक और बहुत अच्छे टाइम्स के अच्छे दिन में पाए, लिटरली अच्छे दिन में पाए, और ये साल सबको बहुत अच्छा जाए। हैप्पी न्यू ईयर गाइज अगेन, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो कीप वॉचिंग, और यस मेरे इंस्टा पे जाओ और फॉलो कर दो, और ये वीडियो थोड़ा लाइक, थोड़ा कमेंट, थोड़ा शेयर, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।